सोही और गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो लोग आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OV33 अपडेट के बारे में एंड इसके अलावा एडवांस सर्वर के बारे में। तो लोग एडवांस सर्वर में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं एंड उसके अलावा OV33 में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स हमारे गेम में आने वाले हैं। तो कौन से अपडेट्स आने वाले हैं एंड कौन से हिडन अपडेट्स हैं जो कि आप लोगों को नहीं पता है, वो हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो भाई लोग वीडियो को देखते रहना एंड तक। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड भाई लोग अगर आप लोग नहीं हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। आप लोगों ने जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखा सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर कभी भी कोई भी अपडेट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, कोलैबोरेशंस आते हैं, इवेंट्स आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन आप लोग सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं वो होता है गोल्ड रॉयल, क्योंकि जो गोल्ड रॉयल होता है वो फ्री में मिलता है एंड आप लोग फ्री में एक न्यू बंडल क्लेम कर पाते हो। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि हमारा नेक्स्ट गोल्ड रॉयल कौन सा होने वाला है एंड इस अपडेट के बाद आप लोग कौन सा गोल्ड रॉयल हमारे गेम में देखने को मिलेगा। सो गाइस हमारे फ्यूचर का जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल होने वाला है वो ये होने वाला है, फीमेल का बंडल है एंड दिखने में बंडल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग फीमेल बंडल यूज नहीं करते हो तो आप लोगों के लिए जो गोल्ड रॉयल किसी काम का नहीं है। अगर इसी का फीमेल वर्जन की जगह मेल वर्जन फ्री फायर दे देता गोल्ड रॉयल में तो यार दिखने में बहुत खतरनाक लगता है, क्योंकि मेल बंडल बहुत सारे लोग यूज करते हैं लेकिन अब जबकि फीमेल है तो फीमेल तो ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, तो हमारे लिए किसी काम की बात है। एंड इस एडवांस में सबसे बड़ा जो अपडेट मुझे देखने को मिला है वो है लिंक कैरेक्टर का अपडेट। इसमें आप लोग फ्री में कैरेक्टर्स क्लेम कर पाओगे, मतलब आप लोगों को यहाँ पर डायमंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग फ्री में कैरेक्टर्स क्लेम कर पाओगे। तो एग्जैक्टली इसका क्या काम है लिंक में आप लोगों को फ्री कैरेक्टर्स मिल रहे हैं नहीं, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। बट ज्यादातर लोगों ने कहा है कि इसमें आप लोगों को फ्री कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली इसमें आप लोग लिंक पर जाना है एंड जैसे आप लोग लिंक पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाएंगे एंड कैरेक्टर जो भी आप लोग दिखाएंगे उसमें से कोई कैरेक्टर्स आप लोगों को चूज करना पड़ेगा एंड जो भी कैरेक्टर्स आप लोग चूज कर रहे थे ना, तो उसमें से जो भी आप लोग एक कैरेक्टर चूज करोगे वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। मतलब समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर गए, लिंक पर क्लिक किया एंड यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर लियोन कैरेक्टर चूज किया एंड लियोन कैरेक्टर चूज करने के बाद आप लोग थोड़े मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे, थोड़े फ्रेगमेंट्स आप कलेक्ट करने पड़ेंगे एंड जैसे आप लोग फ्रेगमेंट्स कलेक्ट कर लेते हो, मिशन कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को लियोन बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो यार एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगा एंड आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोग गेम खेलना है, मिशन कंप्लीट करना है एंड उसके बदले आप लोगों को फ्री कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग फ्री लिंक कैरेक्टर के सिस्टम जो आने वाला है इसके लिए एक्साइटेड हो यानी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ। एंड उसके अलावा कुछ समय पहले हमारे गेम में एक कैरेक्टर हुआ करता था, मतलब अभी भी कैरेक्टर है वो, लेकिन जो पावर लेवल था वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। हमारे गेम में एक बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर था जिसका नाम था क्रोनो एंड क्रोनो की पावर्स क्या ही तो लेवल थी यार, मतलब क्या ही अलग लेवल पे थी। लोग उसको यूज करते थे एंड हर एक बंदा क्रोनो यूज कर रहा था, लेकिन हर अपडेट में गरेना ने उसके पावर कम करके बहुत ज्यादा बेकार किया है एंड अभी के समय में क्रोनो बहुत ही कम बंदे यूज करते हैं। लेकिन क्रोनो के टक्कर में एक न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसकी स्किल एकदम क्रोनो जैसी है एंड उस कैरेक्टर की स्किल क्रोनो जैसी है बट एक अलग लेवल पर है, मतलब क्रोनो से भी ज्यादा अच्छी उसकी स्किल है एंड उससे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर वो होने वाला है। तो क्या कैरेक्टर है एंड क्या स्किल है मैं आप लोग बताता हूं। तो हमारे नेक्स्ट अपडेट में जो न्यू कैरेक्टर आने वाला है जिसका नाम है केंटा, तो उसकी स्किल ये होगी कि आप जैसे उसकी स्किल पर यूज करोगे तो आप हमने एक शील्ड बन जाएंगे जिसको आप लोग मूव कर सकते हो, आप लोग आगे जाओगे तो आगे जाएगा एंड उसके अलावा आप लोग उसके डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो, जहां से आप लोग गोलियां पड़ रही है वहां पर आप लोग शील्ड लगा सकते हो। एंड जो क्रोनो था उसकी शील्ड आप लोग यूज कर रहे थे तो शील्ड जो थी वो एक जगह पे थम जा रही थी, लेकिन जो इसकी शील्ड है इसको आप लोग कहीं पे भी ले जा सकते हो। एंड क्रोनो में क्या था, अगर आप लोग क्रोनो की शील्ड के अंदर हो तो आप लोग को बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कैरेक्टर के केस में ऐसा है कि आप लोग डैमेज पड़ेगा बट बहुत ज्यादा कम पड़ेगा। तो मैं कल अपने फ्रेंड के साथ एडवांस रॉक खेल रहा था एंड मेरे हाथ में थी WWM एंड जो मेरा फ्रेंड था उसके पास था ये कैरेक्टर, तो उस बंदे ने वो शील्ड लगाई एंड जब मैंने AWM को दो शॉट मारे तो ओनली 20 का डैमेज गया, मतलब AWM का जो डैमेज है वो 150 का है, 150 का डैमेज है एंड डैमेज कितने का पड़ा, सिर्फ 20 का डैमेज पड़ा। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि इतना ज्यादा ओवर पावर्ड गन है हमारी AWM, उसका 150 का डैमेज पड़ता है, तो 150 का कितने का डैमेज पड़ा, सिर्फ 20 का। मतलब जो कैरेक्टर होने वाला है ये बहुत ओवर पावर्ड होने वाला है, जो गोलियां आती है उसकी पूरी तरीके से रोकेगा नहीं लेकिन जो डैमेज है ये बहुत ज्यादा कम कर देगा। एंड अगर आप लोग की हेल्थ बहुत ज्यादा कम है, 10 है या फिर 10 से भी नीचे है, तो ये कैरेक्टर आप लोग किसी काम का होने वाला नहीं है। बट अगर आप लोग एक हाथ गोली पड़ी है एंड आपकी हेल्थ थोड़ी ज्यादा है तो ये कैरेक्टर आप लोग बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड हम लोग देखते हैं कि अपडेट के बाद जब कैरेक्टर हमारे गेम में आएगा तो गेम को डिसबैलेंस कर पाता है या नहीं। एंड उसके अलावा इस अपडेट के बाद हमारे गेम में एक न्यू चेंज होने वाला है जिसका नाम है क्रेडिट स्कोर एंड इस क्रेडिट स्कोर में बेसिकली होगा ये कि आप लोग थोड़े पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड वो पॉइंट्स अगर आप लोग मैनेज कर देते हो तो आप लोग को पनिशमेंट मिलेगी एंड अगर आप लोग पॉइंट को प्लस करते हो तो आप लोग रिवॉर्ड मिलेंगे। तो कैसे सिस्टम है आप लोग बताता हूं। तो अगले अपडेट में हमारे गेम में क्रेडिट स्कोर नाम का सिस्टम ऐड हो जाएगा एंड इसमें बेसिकली ऐसा होगा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में 100 स्कोर मिलेगा, हर एक प्लेयर को 100 स्कोर मिलेगा। एंड समझ लीजिए आप लोग गेम बैक करते हो या फिर आप लोग गेम में किसी को इमोट दिखाते हो या फिर आप लोग किसी को गाली देते हो गेम में तो आप लोगों का स्कोर माइनस होगा। तो यार यहाँ पर दो प्रकार से आपके स्कोर माइनस हो गए। पहला, अगर किसी सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि आप लोगों ने कुछ इंप्रॉपर बिहेवियर किया है मैच में तो आप लोगों का स्कोर माइनस होगा। एंड अगर आप लोगों को रिपोर्ट्स पड़े, मतलब आपके फ्रेंड ने आपको रिपोर्ट किया या फिर किसी प्लेयर ने आपको रिपोर्ट किया तो आप लोगों का जो स्कोर है वो माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि आप लोगों को बेवजह किसी को इमोट नहीं दिखाना है गेम में, ना ही किसी को गालियां देने हैं। अगर उस
बंदे ने आपको रिपोर्ट कर दिया तो आप लोग का स्कोर माइनस होगा। एंड अगर आप लोग गेम बैक करते हो तो पहले आपकी एएफ की वार्निंग आया करती थी, लेकिन अभी आपका क्रेडिट स्कोर माइनस हो जाएगा, तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है। एंड अगर आप लोग विदाउट कुछ किए एकदम रियल अपना गेम खेलते हो, एकदम फेयर तरीके से अपना गेम खेलते हो, बिना गाली गलौज के, बिना बैक किए, तो आप लोग क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। हर मैच के हिसाब से आप लोग का एक या दो स्कोर बढ़ने वाला है। एंड अगर आप लोग क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मतलब 50-60 से नीचे जाता है, तो आप लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे। आप लोग सीएस रैंक नहीं खेल पाओगे, आप लोग बैटल रॉयल रैंक नहीं खेल पाओगे, आप लोग ट्रेनिंग नहीं खेल पाओगे, बस आप लोगों को बर्मोड़ा क्लासिक बर्मोड़ा खेलना पड़ेगा एंड अपना रैंक को बढ़ा के फिर आप लोग खेल पाओगे। तो बहुत सारी पनिशमेंट मिलने वाली है, तो अपना बिहेवियर मतलब ध्यान में रखना। एंड इसके अलावा जो हमारा अपडेट होने वाला है ओबी 33 का अपडेट, ये बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। एंड चेंजेस के अलावा बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन भी होने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जैसे ही गेम को अपडेट कर लोगे तो कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को एमएस धोनी कोलैब हमारे गेम में देखने को मिलेगा। एंड फिर उसके अलावा कुछ दिनों बाद आप लोग देखने को मिलेगा बीटीएस कोलैबोरेशन हमारे गेम में। एंड बीटीएस कोलैबोरेशन के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा प्यूमा कोलैबोरेशन। तो बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन है एंड ये तीन बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका फ्री फायर कोलैब करने वाला है। एंड इसके अलावा अदर कोलैबोरेशन भी बहुत सारे हैं। एंड इस अपडेट के बाद आप लोगों को एक न्यू पैट हमारे गेम में देखने को मिलना है जिसका नाम है जासिल। एंड ये पैट जो है ना, ये दिखने में अलग ही खतरनाक लग रहा है, बट हम लोग लुक में जाएंगे, हम लोग स्किल देखेंगे। तो उसकी स्किल ये है कि जब आप लोग कोई इनहेलर कंज्यूम करोगे या फिर आप लोग मेडिकेट कंज्यूम करोगे तो उसका 50% ये आप लोग रिटर्न कर देगा। जैसे समझ लीजिए आप लोग डैमेज हुए एंड डैमेज होने के बाद आप लोगों ने दो मेडिकेट यूज़ करी, तो दो मेडिकेट यूज़ करने के बाद एक मेडिकेट आप लोगों को रिटर्न कर देगा। एंड मेडिकेट के अलावा आप लोगों को इनहेलर भी वापस करने वाला है। समझ लीजिए आप लोगों ने दो या तीन इनहेलर यहाँ पर यूज़ किए, तो उसका जो 50% होगा ये आप लोगों को वापस दे देगा, वापस आपके बैकपैक में डाल देगा। एंड उसके अलावा इस अपडेट के बाद आप लोग देखने को मिलेंगे दो न्यू गन्स हमारे गेम में। एक का नाम है F2000 जो कि दिखने में दिख नहीं रही है, एकदम शो नहीं कर रही है, लेकिन आप लोग ये देख सकते हो छोटी सी गन लग रही है। एंड आप लोगों ने उजी यूज़ करी होगी, तो उजी से छोटी सी पिस्टल टाइप की गन होने वाली है, लेकिन ये AR गन है। एंड फिर इसके अलावा एक और न्यू गन है जिसका नाम है G36 एंड ये एक AR गन है। एंड ये चलने में बेकार सी है, बट न्यू गन है तो यूज़ करना पड़ेगा। तो ये दो न्यू गन्स हमारे गेम में आने वाली है नेक्स्ट अपडेट में। एंड इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। समझ लीजिए आप लोग चार बंदे एक स्क्वाड में खड़े हो एंड आप लोगों को एक और बंदे को ऐड करना है, तो आप में से किसी एक बंदे को लीव करना पड़ेगा तभी एक बंदा ऐड करेगा। एंड आप लोगों ने कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर चार की जगह पाँच बंदे एक स्क्वाड में खड़े हो पाते तो कितना बढ़िया होता, पांच बंदे के साथ खेल पाते कितना बढ़िया होता। तो यहाँ पर एक अपडेट आने वाला है जिसमें आप लोग अब पांच बंदे खड़े कर पाओगे एक स्क्वाड में। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट में हमारे गेम में बॉम्ब स्क्वाड का एक मोड आने वाला है जिसमें 5v5 होगा एंड उसमें आप लोग पांच बंदे एक स्क्वाड में खड़े कर पाओगे। अगर आप लोग पांच दोस्त हो तो आप एक साथ खड़े हो पाओगे एंड 5v5 आप लोग बॉम्ब स्क्वाड का एक मैच खेल पाओगे। तो यार यहाँ पर तो ये कुछ मेजर अपडेट जो कि आप लोग नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेंगे। एंड जो अपडेट है वो 23 मार्च को आ जाएगा एंड 24 मार्च को न्यू गोल्ड रॉयल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग 23 मार्च को खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना कैसा अपडेट है एंड क्या क्या चीज़ें आप लोग देखने को मिल रही है। एंड बस यार कुछ 10 दिन बाकी है, तो 10 दिन बाद हमारे गेम में न्यू अपडेट आ जाएगा एंड फिर उसके बाद आप लोग जो भी अपडेट है उसको खेल पाओगे। मैं होप करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई लोग अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। यार आप लोगों ने रल करके सब्सक्राइब बटन देखना, सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना। तो भाई लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Flow like water, so I'm going mainstream.